दोस्तों स्वागत है आपका जानो और सीखो के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक नई स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं और ये स्ट्रेटजी आपको इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प कर सकती है। और आज हम पूरे स्ट्रेटजी को समझेंगे, देखेंगे कि यह स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको इस स्ट्रेटजी से इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करने में हेल्प होगी और कैसे आप टूल्स को यूज करके इसको बहुत ही आसानी से एक मिनट में कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो स्पेशली ये स्ट्रेटजी उनके लिए लोग हैं। देखिए, कई लोग होते हैं कि आपको पिछले दिन की एक एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसके आपके पास एक वॉच लिस्ट होती है जो आप कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए उन स्टॉक को ध्यान में रखते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि एक्चुअली में आपके पास एक वॉच लिस्ट नहीं होती, आप रियल टाइम में मार्केट में जाते हैं और वहाँ आपको क्विकली स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए स्ट्रेटजी जो क्विकली स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक वॉच लिस्ट बना सके कल के लिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसको सिंपल शब्दों में बोले तो हम कहते हैं रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बेसिकली ये बताती है कि जब भी कोई स्टॉक एक रेंज से, एक बड़े रेंज से बाहर निकलता है, उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर निकलता है, तो उसमें एक बड़ी मूव आती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने चार्ट शेयर किया, आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये वन डे का चार्ट है एससीएल टेक का, और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको बताएगा ये जो स्टॉक है इसका एक रेंज क्या था पिछले कुछ दिनों से। तो ये स्टॉक इस रेंज में था, कंसोलिडेट कर रहा था कई दिनों से अपमूव दिखाने के बाद, और ये ऊपर और नीचे किसी एक साइड में इसको ब्रेक करना था। ये स्टॉक ने आज ये रेंज ऊपर की साइड में ब्रेक किया और इस स्टॉक में एक बड़ी मूव आई। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्राइटेरिया ये है कि हमें एक ऐसा स्टॉक फाइंड करना है जो कि एक रेंज को ब्रेक कर रहा है। अभी कितने दिनों की रेंज ब्रेक कर रहा है तो अच्छा है। तो देखिए, इंट्राडे में जो आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, अगर वो स्टॉक 10 दिन का भी रेंज ब्रेक कर रहा है या अगर वो 20 दिन का भी रेंज ब्रेक कर रहा है तो वो गुड इनफ है। इनफैक्ट 5 डेज का रेंज ब्रेक करने वाले भी स्टॉक काफी अच्छे होते हैं अगर वो सारे पैरामीटर्स पे खड़े बैठे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका है जिससे आप ऐसे स्टॉक्स पता कर सकते हैं जो रेंज ब्रेक कर रहे हैं। रेंज ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, रेंज ब्रेक करने का मतलब होता है कि कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी रेंज ब्रेक कर रहा है। अगर वो ऊपर के साइड में रेंज ब्रेक करता है, इसका मतलब ऊपर के साइड में कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं चार्ट पे कि जैसे इसने रेंज ब्रेक किया, तो सिंस एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज ब्रेक हुआ इस लेवल पे, तो यहाँ ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं क्योंकि ये सारे रेंज को ब्रेक किया है। और अगर नीचे की ओर रेंज ब्रेक करता, इस साइड में ब्रेक करता, तो नीचे की ओर रेंज करता। तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं चार्ट में कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होता जब एक रेंज ब्रेक करता है। तो जैसे ये स्टॉक रेंज ब्रेक करता है, क्विकली आपको क्या करना है कि जो भी स्टॉक रेंज ब्रेक करना है तो उसकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है, जिसमें आप उसका डेली, वीकली, आवरली और 15 मिनट का चार्ट चेक करेंगे। बस सिंपल सा आपको उसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है और क्विकली उसको करके आपको देख लेना है कि वो किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अराउंड तो नहीं है सारे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ फॉर एग्जांपल एससीएल टेक को जैसे ही आपने देखा कि इसने रेंज को ब्रेक किया था, तो ये मंथली पिवट R2B डेली चार्ट पे ब्रेक किया था और इसने वीकली चार्ट में भी एक रेंज ब्रेक किया था, आवरली में भी अच्छा खासा R1 के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में जैसे ही R1 के ऊपर या R2 के अराउंड ऊपर खुला था वहीं से इसने रनअप मारा था। तो ये सारे जो स्टॉक होते हैं जो सारे टाइम फ्रेम में भी सूटेबल होते हैं प्लस एक रेंज ब्रेक करते हैं, तो ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हो जाते हैं। और ये स्टॉक्स आपको ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रखने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं बहुत अच्छा मुनाफा आपको कमा के देते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे स्टॉक्स आपको रियल टाइम मार्केट में कैसे मिलेगा, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, कौन से स्टॉक क्या रेंज ब्रेक कर रहे हैं आप कैसे। कोई आपको रियल टाइम एक टूल होना चाहिए जो आपको ये बताए कि ये स्टॉक ने ये रेंज ब्रेक किया। तो उसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो है intradayscreener.com। तो intradayscreener.com की वेबसाइट पे जाके आप जो उनका न्यू वर्जन है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू ट्राई न्यू फास्ट स्क्रीनर पे क्लिक कीजिए, या इसका मैं डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये जो intradayscreener.com/app है, ये नया वर्जन पे आपको जाना है, उसमें लॉगिन करना है। इसमें आपका अकाउंट नहीं है तो आपको एक रजिस्टर बटन पे क्लिक करके आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज सकते हैं ये फीचर जो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली आपको जाना है इंट्राडे स्कैन्स में और रेंज ब्रेकआउट स्कैन्स को क्लिक करना है। जैसे आप रेंज ब्रेकआउट स्कैन्स को क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा पेज आ जाएगा जिसमें एक ऐसा कुछ लिस्टेड होगा। तो यहाँ पे 3 डे, 5 डे, 10 डे, 30 डे, 90 डे, ये आपको बता रहा है जो रियल टाइम मार्केट में जो भी रेंजेस, जिन भी स्टॉक्स के, जो FNO के स्टॉक्स हैं उनके रेंज टूट रहे हैं। तो आपको सिंपली HL चेंज परसेंट कॉलम पे क्लिक करना है,
और इसको सॉर्ट कर देना ऑर्डर पे। और जैसे आप इसको 10 डे क्लिक करेंगे, उसको आपको सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिन्होंने इंट्राडे में रेंज ब्रेक किए हैं। फॉर एग्जांपल जिस स्टॉक की मैं अभी बात करता हूँ, HCLTech की, उसने अपना 738 का रेंज ब्रेक किया था। तो ये जो HL चेंज परसेंटेज कॉलम है, ये आपको दिखा रहा है कि कौन सा ये 10 डे का जो हाई है उसका 738 का, उसको उसने इंट्राडे में ब्रेक किया और उसके बाद उसमें एक बड़ी मूव आई। तो यहाँ पे देख, आप TCS को देख सकते हैं, आप अशोक लेलैंड को देख सकते हैं, 3% अपने हाई से मूव किया है। सेंचुरी टेक्सटाइल को देख सकते हो, सेंचुरी टेक्सटाइल एक ऐसा स्टॉक था जिसने भी एक रेंज ब्रेक किया। तो यहाँ सेंचुरी टेक्सटाइल्स को मैं यहाँ पे चार्ट को खोलता हूँ और सेंचुरी टेक्सटाइल्स को मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये स्टॉक आज बहुत ही अच्छा, मतलब इसको ट्रेडेबल स्टॉक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंचुरी टेक्सटाइल पिछले कुछ दिनों के रेंज को ब्रेक किया था, जो कि इजिली 353 के अराउंड था। तो यहाँ पे अगर आप ये बात करेंगे, ये 353 का लेवल था जो क्लोज था, पिछले हाईएस्ट कैंडल का क्लोज था, उसके मतलब क्लोज नहीं था, इनफैक्ट ओपन वहाँ हुआ था, उसको हाईएस्ट को ब्रेक किया और नेक्स्ट जो टारगेट इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से आ रहे थे ऑलमोस्ट 373 के आ रहे थे। और ये एक ट्रेड है जो हमने लाइव लिया था आज टेलीग्राम ग्रुप पे। तो देखिए टेलीग्राम पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें शेयर्ड है तो मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। इनफैक्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने शेयर किया है कि आपने बाई सेंचुरी टेक्सटाइल्स करंट मार्केट प्राइस 351, स्टॉप लॉस 330 एंड टारगेट 370। तो ये बेसिकली इसी स्क्रीनर के थ्रू लिया गया टूल था, क्योंकि ये जो स्क्रीनर है इसने ब्रेक किया था, स्क्रीनर में ये आया था, ये 5 डे के ब्रेक पे आया था, क्योंकि 358 के लेवल पे और 3 डे के आया था ऑलमोस्ट 345 के लेवल पे। तो ये जो रेंजेस ब्रेक होते रहते हैं इन स्टॉक्स को अगर आप वॉच करेंगे तो ये आपको इंट्राडे में बहुत अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। और ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप क्लियरली जब भी जैसे ही इसको खोलेंगे आपको दिख जाएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ और उस पर मैं आने वाले वीडियो में भी बात करूंगा, वो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओपन होते ही स्टॉक ने एक रेंज बनाया, एक नैरो रेंज, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया तो इसने ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया प्लस 10 डे रेंज को ब्रेक किया। और ये जो रेंज, मल्टीपल रेंज ब्रेक होते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं स्टॉक के इंट्राडे में अच्छी मूव पाने के लिए। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो भी रेंज ब्रेक होना चाहिए उसमें ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अब ये जिसको पता नहीं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो समझ ले कि फ्यूचर्स में ट्रेडर्स ने जितने नए पोजीशंस बनाए वो बताता है ओपन इंटरेस्ट। तो जितना हाई ओपन इंटरेस्ट है, 5% 10% के मिनिमम ऊपर ओपन इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा होता है। और वॉल्यूम 400%, मतलब कल से 4 गुना 5 गुना वॉल्यूम हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स इसमें हाई वॉल्यूम के साथ और हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ जो मूव आती है, रेंज ब्रेकआउट होती है, तो वो स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं। और ऐसे स्टॉक्स को आपको बोथ साइड में आप इसको कैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल ने अपने 10 डेज का रेंज जो कि 488.5 था उसको ब्रेक किया नीचे की ओर, और इनफैक्ट उसके बाद वो 469 470 के अराउंड तक गया था इंट्राडे में लो। तो देखिए 2.9%। तो ये देखिए अपने हाईज और लो से इंट्राडे मूव है, और 3% 2% तो कह लीजिए कि बहुत अच्छे मूव हो जाते हैं। 3% मूव आना बहुत अच्छा मूव माना जाता है। तो देखिए ऐसे मल्टीपल इस, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो भी आप स्कैनर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। 90 डेज और 52 वीक्स के जो ये स्कैन्स है, तो आप देख सकते हैं जो भी स्टॉक्स हैं ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हो जाते हैं। इन स्टॉक्स को भी आपके वॉचलिस्ट में होने चाहिए अगले दिन। तो ये एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आप इंट्राडे स्क्रीनर के टूल को यूज करके इंट्राडे में बहुत ही फास्ट रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बस जो भी स्टॉक्स रेंज ब्रेक कर रहा है उसको चार्ट पे खोलना है, वहां पे कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं, ओपन इंटरेस्ट और बाकी, जैसे इंट्राडे में वो 15 मिनट के चार्ट पे पिवट के अगर ऊपर जाए और वी वैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर रहे और OI का इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। अब याद रखिएगा जो स्टॉक्स ब्रेक करते हैं उसमें से कई स्टॉक रिवर्ट भी कर जाते हैं, इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 15 मिनट का एक कैंडल जो भी रेंज है उसका पिछला हाई उसके ऊपर क्लोज हो। अगर 15 मिनट का एक कैंडल उस रेंज के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ही वो स्टॉक में आप एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका कैसे आप इंट्राडे स्क्रीनर टूल को यूज करके रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जस्ट 1 से 2 मिनट, से ज्यादा आपको लगेगा नहीं। एक बार आप ये सीख लेंगे प्रोसेस तो आपको बस ये सुबह खोलना है और जैसे ही आपको कोई स्टॉक दिखे जो रेंज ब्रेक कर रहा है उस स्टॉक को बहुत अच्छे मूवमेंट आने की कोशिश करेगा। जैसे आप देखिए हैवल्स का स्टॉक मॉर्निंग में ही बता दिया गया था, जो लोग हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं जिन
जिन लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से जिन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, जो हमारे ग्रुप में एडेड है, उनको ये सब रियल टाइम में अलर्ट्स भी आते हैं, उसकी एनालिसिस भी आती है। तो दोस्तों आप भी इसको पा सकते हैं, नीचे लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल में खुला सकते हैं, उससे कुछ हमें पैसे मिलते हैं जिससे हम चैनल को ग्रो करते हैं और उसके बदले में आपको काफ़ी अच्छे टूल्स मिलते हैं और आपको लाइव मार्केट में अलर्ट्स मिलते हैं इसी तरह के। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आएगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आप मैं ऐसी और स्ट्रैटेजी लाता रहूं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम और स्ट्रैटेजी लाएंगे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक को लिखिए और हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे, जिस पे भी मैक्सिमम लोग पूछेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, आज के वीडियो में इतना ही, ऐसे ही एक नए टूल के साथ और नए स्क्रीनर के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।